नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं हूं लेखू और आप देख रहे हो लेखू खुशी ब्लॉग। तो दोस्तों आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो सबको भाई मेरी ओर से आपको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयां। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इस उपलक्ष्य में ना कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और मटकी फोड़ प्रतियोगिता होती है। तो भाई हर जगह की तरह ना मेरे गांव में भी मटकी फोड़ प्रतियोगिता होती है, लेकिन थोड़ी अलग होती है। अब वो कैसी अलग होती है ना, ये तमाम चीज़ें ना आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और न्यू होना तो सब्सक्राइब करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और आज मम्मी के साथ बैठ के भाई वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। अंदर में इन लड़कियों को ना अपने सूट में देखा करते थे, अभी साड़ी में देखो कैसी दिख रही हैं, बिल्कुल नई बहू की तरह। अगर देखे तो इस तरह से है, मुझे बाल बाल फैला के ये देखो। अच्छा देवीदाय भूत लगो है, ये चुड़ैल बनी हुई है, सब लोग तैयार है यार हैं। तो गाइस ना आज ना बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आपको श्री कृष्ण जन्म उत्सव में हम लोग बहुत कुछ नया नई चीज़ें नई नई एक्टिविटी दिखाने वाले हैं, नई नई चीज़ें दिखाने वाले हैं। तो मज़ा भी आएगा, साथ में हम लोगों के साथ के कल्चर के बारे में आपको जानने को मिलेगा और किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलो अभी चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे मटकी फूटती है। पहले ना मेरे घर के सामने पे यहीं पे मटकी फूटा करती थी, पर इस साल नहीं फूट रही है। इस साल अभी मेरे गांव में ना तीन भाई तीन जगह मटकी फूट रही है, तो तीनों जगह का दिखाऊंगा। अगर हो सके तो फिर यहाँ पर जाके भी कुछ दिखा सकता हूँ, वहाँ का कुछ अलग रहता है, मेरे गाँव का कुछ अलग रहता है। तो चलो अभी फिर चलते हैं मटकी फोर प्रतियोगिता जहाँ पर हो रही है उस जगह पर। गाइस यहाँ पर ना इस तरह से नज़ारा है जो देख रहे हो, भीड़ भीड़ लगी है। अब यहाँ गई जब पहुँचने के बाद पता चलेगा कि हो क्या क्या रहा है। तो देख लो इस तरह से सब चीज़ यहाँ। तो गाइस आप देख रहे हो ये जो जगह दिख रही है ना आपको, जो मैंने अभी दिखाया ये वाली जगह, यहाँ पे लगा रखा जाएगा मटकी। मटकी रखने के बाद ना यहाँ पे फोड़ा जाएगा। यहाँ पे फोड़ने के रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उस नियम के अकॉर्डिंग आप अगर फोड़ते हैं तो आपको पुरस्कार पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार स्वरूप यहाँ पे जो भी रखा जाएगा ना, मैं आपको बताऊँगा, अभी पता नहीं चला कि यहाँ पे इनाम क्या रखा है, जैसे इनाम पता चलता है क्या होता है वो भी आपको इसी वीडियो में आगे जानकारी मिलेगी। तो गाइस मैं मटकी के ना स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट ये देख लो आप, ये बना हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट और ये आप देख रहे हो ये पूरी लाइन गई हुई है। ये लाइन ना वहाँ पे गई हुई है जहाँ पे मटकी है। अब आपको मैं थोड़ी बैक कैमरे से समझाता हूँ किस तरह से रूल्स होते हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मटकी फूटी जाएगी। गोला वाला चरखा देख रहे हो, यहाँ पे ना जो प्रत्याशी है जो प्रतियोगिता में भाग लेगा वो उसे खड़ा किया जाएगा और उस आँखों में पट्टी बांध दी जाएगी। अभी किस तरह से बांधेंगे किस तरह से जाएगा वो देखो। और इस जो लाइन है इस लाइन को बिना क्रॉस किए इसके बीचों बीच से आपको इस तरह से जाना होगा और जाने के बाद ना वहाँ पर जो मटकी रखी हुई है उसको फोड़ना होगा। फोड़ने पर आपको ना पुरस्कृत किया जाएगा, जो वहाँ पर जो भी इनाम की राशि है वो दी जाएगी। तो इस तरह से जाना पड़ेगा आपको। और आप देख लो इस तरह से यहाँ पे आगे ना आपको जो बच्चा खड़ा है ना, छोटा सा बच्चा खड़ा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ये लास्ट लाइन है, इस लाइन को आपको क्रॉस नहीं करना है। तो इसको आगे क्रॉस करके ना आपको यहाँ पे इस डंडे की मदद से आपको ये यहाँ पे जो मटकी है वो मटकी फोड़नी पड़ेगी। अभी पूजा हो रहा है, पूजा होने के बाद मटकी को स्थापित कर दिया जाएगा। और अभी देख लो यहाँ पे सब समिति के और आसपास जो लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो क्राउड है ना वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी ना यहाँ की मटकी में बहुत ज़्यादा लेट था मटकी प्रोग्राम में, तो मैं सोच रहा था कि दो और जगह मटकी वो हैं, ठीक है, तो उन मटकियों को देखने जाते हैं क्योंकि वहाँ का प्रोग्राम अभी चालू हो गया है। तो वहाँ पे भी देखते हैं क्या है कैसा है सब कुछ, ठीक है। तो किसी दूसरे मोहल्ले में चलते हैं, एक्चुअली ये ब्रज के मोहल्ले का था। तो भाई भग्गों को ले लिए साथ में, अब आज ना भग्गों को देखो, आज भग्गों का लुक देखो, साड़ी में लग रही लड़कियाँ देखा देखा।
और ये नई बहू है, कितनी प्यारी है, भाव भग गई है। छोटी सी बच्ची को देख लो भाई, साड़ी पहने, मतलब इतनी छोटी छोटी बच्ची वहाँ, और लड़कियाँ हैं। तो भाई मैं और भग्गो अभी ना जा रहे हैं खाले घर। खाले घर में क्या मट्टी फोड़ प्रतियोगिता हो रही है, वहाँ भी जा रहे हैं। वहाँ पे मंगल सेठ हैं, लाख से, मतलब इतने सारे लोग हैं। तो अभी हमने एक बार ऐसे घूम के आ गए थे, वीडियो बना बिना बनाए, ठीक है चलते हैं। हमारे मट्टी फोड़ने वाले के ध्यान देने, एक चांस में राजू यादव, राजू यादव अपने दूसरा चांस ले गया, बहुत ही बड़े बड़े कर दिया, दोस्तों आज मैं आपको ना हमारे गांव के तीनों मोहल्ला में रखा गया, मतलब मोहल्ले तो बहुत सारे हैं लेकिन तीन मोहल्ले में रखा गया, और हमने एक एक मोहल्ले से दिखा रहा हूँ, मतलब कभी वहाँ जा रहा हूँ कभी यहाँ जा रहा हूँ, जहाँ पे अच्छा सीन समझ में आ रहा है ना भाई वहाँ जा रहा हूँ, मतलब नाच रहा हूँ यार बंदरों की तरह, जैसे इस मोहल्ले से उस मोहल्ले कूद रहा हूँ। तो इस तरह से भी ये है, तो कभी आपको यहाँ का दिखेगा, कभी वहाँ का दिखेगा, तो कहीं और का दिखेगा, तो इस तरह से मज़ा बस आएगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखो, मैं दिखाऊँ कैसे भी लेकिन आने वाला है आपको मज़ा। तो भाई अभी ना हम लोग, मतलब मैं वहाँ से आके ना थक गया था, तो आके भाई चाचा के पास बैठ गया, देखो यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं, और आगे देखो वहाँ पे ना प्रोग्राम चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। सोच रहे हैं कि अब जैसे प्रोग्राम शुरू होता है, अभी वहाँ पे पूजा पूजा हो रहा है, तो अभी तक पूजा पूरी नहीं हुई यार, जैसे पूजा पूरी हो जाती है ना इसके बाद हम लोग आगे का आपको दिखाएंगे। पूजा हुई संपन्न। तो भाई इस तरह से देखो तो पंडित को किया जा रहा है। तो भाई यहाँ भी ना मटकी का प्रोग्राम चालू हो गया, देखो बंदे, मतलब इस लड़के की आंखी में पट्टी बांधा जा रहा है, कृपा कर देखो, देखने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह से देखो इसे पट्टी, और ये लड़का ने इसकी आंख में जब पट्टी बांध दिया जाएगा पूरी तरह से, इसके बाद ये ना इस रास्ते से जो रोड बनाया गया उससे वो जो मटकी रखी हुई है वहाँ पे, वो मटकी जो देख रहे हो वो मटकी रखी हुई वहाँ पे, वो मटकी फोड़ेगा ये। ये लड़का आउट हो गया भाई, देखो लाइन के बाहर चला गया, ट्रैक के बाहर चला गया, आउट हो गया। इस तरह से जो आपने देखा ये ट्रेलर था, इसी तरह से जब लोग जो प्रत्याशी है वह कोशिश करेगा, इसके बाद वो मटकी फोड़ेगा, मटकी फोड़ने के बाद ना यहाँ पे मतलब इसको इनाम मिला जाएगा। और मेरे पास आ गया देखो चुन्नू, ठीक है हाँ जी चुन्नू बड़ा ढूंढते ढूंढते हैं भाई। तो गाइस मैं और चुन्नू ना अब जा रहे हैं भाई तीसरी जगह, ठीक है वो तीसरी जगह जाएंगे, मतलब जो अब हम लोगों के यहाँ ना मतलब एक मोहल्ला है जिसे शंकरगंज कहते हैं, वहाँ पे रखा हुआ है मटकी, अब वो मटकी फूट रही है, तो वहाँ पे जाएंगे, देखते हैं वहाँ का प्रोग्राम किस तरह से है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आए थे लेकिन यहाँ पे तो लगता है प्रोग्राम चालू ही नहीं है, सब ये भी शांत शांत सा है भाई, देख लो पर नज़ारा आपको दिखाते हैं तो देख लो आप, देखो इस तरह से है यहाँ, और अभी ना यहाँ पे भाई चालू नहीं हुआ है प्रोग्राम, चालू नहीं हुआ था ना इस वजह से हम लोग वापस चले गए, अब वहीं पे जाएंगे जहाँ पे भी प्रोग्राम चल रहा है सबसे अच्छे, तो आपको ना वहाँ का अच्छा सा दिखाएंगे, ठीक है। अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू है तो लाइक शेयर करें दोस्तों के साथ। तो
अच्छा दोस्तों, यहाँ का नज़ारा आपने देखा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू है तो लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।